मॉर्निंग चिल्ड्रन और चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 फ्रॉम द बॉन्डिंग एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज लैंडस्केप ऑफ द सोल। चिल्ड्रन दिस चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल इज रिटन बाई नेथानी टोबराय। And before we start this chapter, let me give a brief introduction of this author of this chapter. Children, Nathalie Tovray is an art historian, and she was born on 2nd February 1975 at Buenos Aires in Argentina। देखिए एक ये जो ऑथर इस चैप्टर की हैं नेथानी टोबराय, ये आर्ट हिस्टोरियन रही हैं और इनका जन्म 2nd February 1975 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ। Her translation on work was very famous. She was married to an ambassador and the basic fact of writing this chapter is that she likes painting very much. And let me also give you a brief introduction of this chapter. The author tells us that Wu Daoji was a master painter of ancient China. देखिए इसमें author ने बताया है कि Wu Daoji नामक जो painter था वो प्राचीन चाइना में मीन्स एंशियंट चाइना में एक मास्टर पेंटर था। ही वॉज रियली ए वेरी फेमस पेंटर ऑफ हिज टाइम Wu Daoji। द क्लासिकल चाइनीज पेंटर्स डिड नॉट इंटेंड टू प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द लैंडस्केप। इट वॉज कंसेप्चुअल लैंडस्केप दैट दे वॉन्टेड। But on the other hand, the European painters or artists tried to create a perfect imitation. देखिए basically the author has compared here between the paintings of China and the Europe. देखिए basically author ने यहाँ पर इस chapter में उन paintings को जो प्राचीन समय में China में बनाई जाती थी और उन paintings को जो Europe में बनाई जाती थी उनमें एक प्रकार का comparison भी प्रस्तुत किया है। Giving so many examples and stories, उसने इसके बारे में कई examples भी बताए हैं या कई stories भी बताई हैं। Now let us start the chapter. Let us begin the chapter. The chapter's title is Landscape of the Soul. तो ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर Wu Daoji हु लिव्ड इन द 8th century। अब देखे एक पेंटर था जिनका नाम Wu Daoji था, तो पेंटर Wu Daoji के बारे में एक अद्भुत और पुरानी कहानी बताई जाती है जो कि 8th
सेंचुरी में रहता था, जो कि 8वीं शताब्दी का था। वो लिव्ड इन 8th सेंचुरी। हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप कमीशन्ड बाई द तांग एम्परर जुआनजोंग टू डेकोरेट ए पैलेस मार्ग। अब देखिए, उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी, उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो एक भूमि का दृश्य था। फिर लास्ट पेंटिंग वाजे लैंडस्केप जो उसे तांग सम्राट जुआनजोंग ने बनाने के लिए कहा था, सो दैट ही वॉन्टेड टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, जिससे कि वो एक मीन्स अपने महल की दीवार को डेकोरेट करना चाहता था, पैलेस वॉल को डेकोरेट करना चाहता था। तो पैलेस वॉल पर बनाने के लिए उसने वु दाऊजी नामक पेंटर से एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा, सो दैट द पैलेस वॉल शुड बी डेकोरेटेड। तो देखिए, द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। अब देखिए, मास्टर पेंटर ने क्या किया, एक पर्दे के पीछे अपनी उस पेंटिंग को छिपा कर रखा, जिससे कि केवल एम्परर ही देख सकता था। दैट ओनली द एम्परर कुड सी। फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन डिस्कवरिंग फॉरेस्ट हाई माउंटेन्स वाटरफॉल्स क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई मैन ऑन हिली पार्क्स बर्ड्स इन फ्लाइट। अब देखे, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम द एम्परर केप्ट ऑन एडमायरिंग द पेंटिंग एंड ही ऑल्सो केप्ट ऑन एडमायरिंग द थिंग्स वट एवर ही सॉ इन द पेंटिंग। अब देखिए, लंबे समय तक सम्राट ने उस अद्भुत पेंटिंग की तारीफ की, जिसमें क्या था, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट हाई माउंटेन्स वाटरफॉल्स क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई मैन ऑन हिली पार्क्स बर्ड्स इन फ्लाइट, जिसमें के बहुत सारे जंगल थे और ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स थे, पर्वत थे, झरने थे और विशाल आकाश में, विशाल आसमान में तैरते हुए बादल, मीन्स द क्लाउड्स वर ऑल्सो फ्लोटिंग इन द स्काई मैन ऑन हिली पार्क्स और पहाड़ी मार्गों पर चलते हुए व्यक्ति एंड बर्ड्स इन फ्लाइट और उड़ते हुए पक्षी। तो देखिए, जब एम्परर ने पेंटिंग में ये सारी चीज़ें देखी, उसने जंगल देखे, ऊंचे ऊंचे पर्वत देखे, माउंटेन्स देखे, झरने को बहता हुआ देखा और आसमान में बादलों को फ्लोटिंग करते हुए देखा, पहाड़ी मार्गों पर व्यक्तियों को चलते हुए और पक्षियों को उड़ते हुए देखा, तो ही स्टार्टेड और केप्ट ऑन एडमायरिंग द थिंग्स वट एवर ही शाह इन द पेंटिंग। तो लगातार ही वो इसकी प्रशंसा करता रहा। लुक सर, सेड द पेंटर। अब देखिए, पेंटर ने फाइनली एम्परर से कहा, बोले देखिए श्रीमान, इन दिस केव एट द फूट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स ए स्पिरिट। बोलिए, इस पेंटिंग में जो केव है, जो गुफा है, जो कि माउंटेन की तलहटी पर है, एट द फूट ऑफ द माउंटेन,
तो बोले इस गुफा में एक आत्मा निवास करती है, दो ऐसे स्पिरिट। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। अब देखिए इसी के साथ क्या हुआ, उस पेंटर ने क्लैपिंग की, पेंटर ने ताली बजाई और उसके ताली बजाते ही उस गुफा का दरवाजा खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। और फिर उसने सम्राट से कहा, एम्परर से कहा कि जो इसके अंदर का जो दृश्य है बहुत सुंदर है, इसे शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे। बोला महाराजा कृपया मुझे आपको रास्ता दिखाने के लिए। अब देखिए क्या था कि वो पेंटिंग इतनी सजीव थी, जो पेंटर गुरुदाव जी ने बनाई तो उसने खुद कहा कि गुफा है, गुफा का दरवाज़ा उसने खोला और एम्परर से बोला कि मुझे आपको इसका मार्ग, इसका रास्ता दिखाने दीजिए। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। अब देखिए जैसे ही पेंटर ने उस गुफा में प्रवेश किया तो जो गुफा का एंट्रेंस था, जो प्रवेश द्वार था, वो उसके प्रवेश करते ही बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, और इससे पहले कि हैरान सम्राट, हैरान एम्परर एक शब्द भी बोल पाते, द होल ऑफ द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। वो पूरी जो पेंटिंग बुद्धाव जी ने बनाई थी वो दीवार से अदृश्य हो गई, दीवार से गायब हो गई, डेट हैड वैनिश्ड फ्रॉम द पैलेस वॉल। नॉट ए ट्रेस ऑफ बुद्धाव जी ब्रश वॉज लेफ्ट। अब देखिए बुद्धाव जी नामक पेंटर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग का एक निशान, उसके ब्रश का एक निशान तक वहाँ पर नहीं रह गया। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उस आर्टिस्ट को दोबारा इस संसार में कभी नहीं देखा। तो देखिए कुल मिला के ओवरऑल द ऑथर वांट्स टू टेल अस दैट द चाइनीज पेंटर यूज टू मेक ए कंसेप्चुअल पेंटिंग। तो देखिए फिर आगे ऑथर ने हमें बताया कि सच स्टोरी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। ऐसी जो स्टोरीज हैं वो चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को प्ले करती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज्वांगजी आर फुल ऑफ देम। कन्फ्यूशियस एंड ज्वांगजी आर द नेम्स ऑफ द फेमस राइटर्स ऑफ देयर टाइम। तो कन्फ्यूशियस और ज्वांग जी की जो बुक्स हैं वो ऐसी कहानियों से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। अब देखिए वो मास्टर को हेल्प करती हैं कि वो उन स्टोरीज के थ्रू अपने डिसिपल्स को, अपने शिष्यों को सही मार्ग पर जाने का निर्देश दें, सही मार्ग पर जाने के लिए उन्हें गाइड करें। Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. और फिर ऑथर ने बताया कि जो हालांकि ये जो कहानियाँ हैं, जो anecdotes हैं, तो वो कहानियाँ नहीं हैं, परंतु ये ऐसी आत्मा को प्रदर्शित करती हैं जिसमें कला का विचार व्यक्त किया गया है, जिसमें तो
मीन्स एक सही आइडिया ऑफ आर्ट को रिवील किया गया, बताया गया। और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। अब देखिए अगेन द ऑथर इज गोइंग टू गिव अनदर एग्जाम्पल, तो देखिए ऑथर हमें दूसरा एग्जाम्पल देती हैं, दूसरी स्टोरी बता के कहती हैं कि अनदर फेमस वन वाज अबाउट ए पेंटर, एक और पेंटिंग थी जो कि एक प्रसिद्ध पेंटर ने बनाई, हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। देखिए इस दूसरे पेंटर ने एक ड्रैगन का चित्र बनाया, एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाई, और इस ड्रैगन की पेंटिंग बना के उसने उसकी आई उसकी आँख नहीं बनाई, केवल इस डर की वजह से, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कहीं ऐसा ना हो कि वो उस आँख को बनाए और वो आँख पेंटिंग से बाहर उड़ के आ जाए। दैट द पेंटिंग वॉज सो रियलिस्टिक विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। अब देखिए फिर ऑथर हमें बताता है कि जो दूसरा पेंटर था उसने एक ड्रैगन का चित्र बनाया, और ड्रैगन का चित्र बनाने के बाद उसने उसकी आँख नहीं उठाई क्योंकि उसे डर था कि वो चित्र के बाहर निकल कर उड़ाएगी। और फिर ऑथर कहते हैं कि मेरे देश स्प्लेंडर में एक कहानी प्रचलित है, एक स्टोरी पॉपुलर है जो मुझे वेस्टर्न पेंटिंग पाश्चात्य चित्रकारी की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाली लगती है। वॉट एवर पेंटिंग्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, तो कहता है कि वॉट एवर पेंटिंग ही फाउंड इन द नेटिव कंट्री फ्लैंडर, तो दैट अपीयर्ड ए काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। तो चलन दैट्स ऑल, एंड वी शैल सी द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।